मैं नहीं कहूंगी कि टफ कोई डेज थे, एंड दैट्स थैंक्स टू मोहित, इसीलिए नहीं क्योंकि ये मेरे साथ बैठे। गुड इवनिंग सुमित, आपके जो सहयोगी लोग हैं, जो आपके सह कलाकार, उन्होंने भी शुरू कर दिया आपको कहना? सब मुझे टीज कर रहे हैं डॉक्टर डॉक्टर कह के और मैं उनसे बस यही कह रही हूँ कि हर मर्ज की दवा नहीं है मेरे पास। आज इस सेट पर आए हैं, मैं कुछ खास जुड़ाव इस शो से? हाँ, पहले तो हम हमारी अधूरी कहानी के प्रमोशंस के लिए यहाँ आए हैं। इंटीग्रेशन हो रहा है क्योंकि भट्ट साहब इस शो से जुड़े हुए हैं। गुरु जो कि इस शो के प्रोड्यूसर हैं, वो भट्ट साहब के साथ काम कर चुके हैं, वो बहुत करीब हैं, और तो इट वाज एन ऑर्गेनिक यू नो इंटीग्रेशन। यहाँ तो आना ही था और शो बड़ा अच्छा है, तो इट वाज How does it help a film by coming to and conquering television audiences on sets and all? Because recently you visited India's Got Talent and now this show. जिसका थीम कहीं ना कहीं हमारे फिल्म के आस पास है, उसके इर्द गिर्द उसके थीम से। और क्योंकि गुरु सर ने खुद मेरी फिल्म देखी है एंड ही फेल्ट हाउ इट कैन बी इंटीग्रेटेड, इट्स अ विन विन फॉर बोथ आई थिंक। So I think what it really helps, I think television is the mass medium more than anything else, and I think the best way to reach out to people, aapki kahani batane ke liye, rather than going on to dance shows and music shows, I mean that's another kind of audience, but this was the best way to reach our people. विद्या जी, अगर आपके कैरेक्टर की अगर बात करें तो ट्रेलर में हमने देखा काफी इमोशनली स्ट्रेनिंग लग रहा है आपका कैरेक्टर देख के, आपके लिए कैसा रहा ये कैरेक्टर को अपने आप को प्रिपेयर करना, और कौन सा एक टफ डे था जो आपको लगा कि बाप रे बहुत ज्यादा हो गया? इंटेंस डेज थे पर मैं नहीं कहूँगी कि टफ कोई डेज थे, एंड दैट्स थैंक्स टू मोहित, इसीलिए नहीं क्योंकि ये मेरे साथ बैठे हैं, पर इन्होंने बहुत प्यार से काम करवाया हम सभी से, तो थकान महसूस नहीं हुई। हालांकि इस फिल्म में होनी चाहिए थी क्योंकि इतनी इंटेंसिटी वाली फिल्म है, पर वो एज अ डायरेक्टर आई थिंक ही नोज हाउ टू हैंडल हिज एक्टर्स। कभी बहुत इंटेंस सीन कर लेते तो अगले दिन थोड़ा सा कम इंटेंस कुछ करवा लेते, और कभी हमें प्रेशर महसूस नहीं होने दिया क्योंकि डायरेक्टर पे बहुत प्रेशर होता है, और एक स्पेशली आप आउटडोर लोकेशन पे जाते हैं तो इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं, लोकेशन आपके पास चंद ही घंटों के लिए होता है कभी, और ये सब भी प्रेशर्स, पर ही नेवर लेट एनी ऑफ अस फील दोज प्रेशर्स, सिर्फ हमसे कहते थे कि आप परफॉर्मेंस पे ध्यान दो। सर, अगर बात करें इस कहानी की, ऐसा कहा जाता है कि इस कहानी बेस्ड ऑन महेश पर पेरेंट्स, कितनी सच है ये बात? well, actually, इस कहानी का सोर्स जो था वो एक इमोशन पे था जो इनकी स्टेप मदर और मेरी स्टेप ग्रैंड मदर एक्चुअली और मेरे ग्रैंड फादर पे हुई थी, बट आई थिंक दैट्स वॉट भट्ट साहब इज बेस्ट एट। आई मीन इट्स नॉट ऑटोबायोग्राफिकल पर एग्जैक्टली फ्रेम टू में ऐसा कुछ नहीं है, बट उसका जो सोर्स है वो एक रियल है, और सिर्फ उधर से ही नहीं, आई थिंक इवन इमरान के ग्रैंड मदर से कुछ लिया गया है। दैट्स वॉट ही इज बेस्ट एट। आई थिंक भट्ट साहब ने जितना भी उनका खुद का जो सिनेमा किया था, ही हैड ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम रियल लाइफ एंड मेड दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, दैट्स व्हाई इट्स सो अलाइव। विद्या, आपने अपनी शुरुआत टीवी से की थी? जी, शुरुआत वापस से शोज में आती है, तो कभी सोचा वापस से कोई सास बहू या कोई सस्पेंस क्रिएट करेंगे? नहीं नहीं नहीं, टीवी में ज्यादा मेहनत लगती है बहुत घंटों तक काम करना पड़ता है। मैं साल में एक या द मैक्सिमम दो फिल्में कर लेती हूँ, तो मैं बीच में बहुत आराम पसंद करती हूँ। आई कांट अफोर्ड टू डू टीवी रियली, बिकॉज उस तरह के मेहनत के लिए अब मैं तैयार नहीं हूँ। एक्चुअली मैं अनफॉर्चुनेटली कोई टीवी शो रेगुलरली फॉलो नहीं कर पाती, पर कभी कभार देख लेती हूँ, जैसे ये शो मैंने देखी है, और वो लड़की मुझे बहुत चकोर जो है, स्पंदन चतुर्वेदी, मुझे बहुत अच्छी लगती है।
आपका फिल्म फेयर एक मैगजीन का आपका वो आया है फोटो, सभी लोग काफी पसंद करे, अलग तरह का आपने उसमें फोटो शूट किया है। हाँ, बिकॉज काफी समय से ये कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। I wanted to pay a tribute to some of my favorite, icons, you know, cinematic legends. और ये सिर्फ एक्ट्रेसेस नहीं थी, एक्ट्रेसेस को मैंने पहले यू नो ट्रिब्यूट्स पे किया है, तो इस बार मैंने डिसाइड किया कि आई विल डू समथिंग एंड पे अ ट्रिब्यूट टू चैपलिन एंड राज कपूर।